टेस्टिंग करवा रहे हैं, अगर उससे पहले आपके कहीं भी शिकायतें हैं और आप जानते हैं कि कहीं कोई और गांव जो नहीं आए हैं उनकी शिकायतें हैं ट्रांसफॉर्मर्स के लिए या केबल के लिए, हमको पहुंचा दीजिएगा ताकि मैं आगे इन लोगों को बोल। मुश्किल से पैसा मिलता है लेकिन जब आता है तो हमको एक दिन चार सालों में मैं 1100 गांव जा चुकी हूँ। आप सब लोगों ने मुझे देखा है अपने गांव में, किसी ने दो दो दफ़ा भी देखा है। मैंने कोशिश की है कि हर महीने करीबन 50 गांव मैं जाऊँ, चाहे कोविड हो, चाहे मेरी तबीयत ठीक ना हो, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो। अब क्या हुआ है कि ये मेरा आखिरी साल है इस सत्र में, और मैं चाहती थी कि बजाय कि आखिरी मिनट पर हम लोग भागा दौड़ी करें, मारामारी करें, तो इससे अच्छा कि हम हर गांव के जो 15-20 सबसे मुख्य लोग हैं उनको, उनसे मैं बात करके अभी से ही हम लोग तैयारी करें। और क्या तैयारी करें, अगर मुझ में कोई कमी है, ये है वक्त बताने के लिए कि हमें और चीज़ें ये चाहिए। अगर कोई हम गलतियां कर रहे हैं तो ये है वक्त बताने का, क्योंकि सुधार का की गुंजाइश है। दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि आखिरी मिनट पर, मेरे पास इतनी उम्र नहीं है कि मैं दिन में 70-70 मीटिंग करूं जैसे वरुण भैया करते थे, ये तो इससे अच्छा कि हम लोग एक पूरे साल में घूमें। और मैं खाली अब न्याय पंचायतों की मीटिंग करूंगी, और हर न्याय पंचायत की मीटिंग में हम बुलाएंगे केवल, मैंने कभी सोचा नहीं जब मैं काम कर रही थी कि कौन किस जाति का है, कौन किस कौम का है। बात सही है कि नहीं सही? सबके काम हुए, बड़े काम हुए, छोटे काम हुए हैं। और जब भी मैं आती हूँ दो दफ़ा महीने में 3-3 दिन के लिए, मैं कुछ नई सौगात लाती हूँ। अब कल भी दो नई सौगात मैं जो लाई थी, एक तो है हनुमानगंज के का फ्लाईओवर जो 100 करोड़ का ऊपर भी है, जो क्रॉसिंग का है, सबसे क्या बोलते हैं शक्तिशाली, हर जात के हर कौम के जो संभालते हैं उस गांव को। तो इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई है। मुझे लगता नहीं है कि कोई भी गांव से कोई भी आया है, इसी गांव से जितने भी आए सो आए, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि हम आपसे बात कर लें। मैं